दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। खाले वालों ने बुलाया जी, खाले की खटाई वगैरह जा रही है और वहाँ पर बंदा ले जाना है। दोस्तों, खाल की तरफ आ चुका हूँ मोरे पे, आप देख सकते हैं ये खाल बिल्कुल आट के साथ भरा हुआ है। अभी सामी वार वगैरह दूसरे नहीं आए और हमने मशवरा ये किया है कि कल इंशाल्लाह सारे सामी वारों को मुकम्मल बुला के फिर इसकी खुदाई करवाएंगे। ये देख सकते हैं, और ये जो है स्विमिंग पूल के साथ है मोरा। ये इन्होंने पार्क वगैरह भी बनाया हुआ है इधर छोटा सा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और दूसरी साइड पे स्विमिंग पूल है। खैर है दोस्तों, स्विमिंग पूल में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। तकरीबन इसको 3-1 साल हो चुके हैं। हाँ, साइकिल स्टैंड भी साथ बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं जी स्विमिंग पूल के जो टरबाइन लगी हुई है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये स्विमिंग पूल के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं ऊपर छांव के लिए तंबू वगैरह लगाया गया है, ये चुनाई, ठीक है। और सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं। दो पाइप लगे हुए हैं, इनके ज़रिए ये पानी आ रहा है। और चार दीवारी इसके बाहर बनी हुई है, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बनाया गया। भाई आदिल साहब आ गए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। हाँ भाईजान, तुम्हारी इतने ड्यूटी है? हाँ जी। कितने टाइम तक रहते हो? सारी रात ही है। 24 घंटे? अच्छा, ये सुना भाई, कितने लोग आ रहे हैं नावन शावन? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, ना रहे हैं, जा रहे हैं। सही। के टिकट वगैरह रखी? 100 रुपये। 100 रुपये फी बंदा? हाँ जी। बच्चे दी? बड़ा छोटा एक रहे। एक रेट? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन बाद भराइंदे हो पानी इस डेली? सुबह डेली 12 चलाइंदे हो? हाँ जी। ते बकाया पानी है तो खारे जो अंदर आंदा? हाँ, बकाया खारे जो अंदर। अच्छा, दिखाओ कि तू खारे जो अंदर। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कहाँ से पानी खारे जो होता है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेश पानी आ रहा है, पीछे से ट्यूबवेल चल रही है, छोटी टरबाइन लगी हुई है 4 इंच वाली। भाई आदिल साहब दिखाते हैं। ये नीचे वाल वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर और ये पानी आप देख सकते हैं खारिज हो रहा है। ये डेली ये पानी नया छोड़ते हैं, इसमें चलता रहता है ये सारा दिन टूर। कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ? मैंने 8 साल। 8 साल? ये 8 साल का बना हुआ है? नहीं, 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ। तो आप पहले भी यहाँ थे? हाँ, पहले ही था। सही। आपको इधर किसी चीज़ का कोई मसला वगैरह तो नहीं होता? अच्छा, ये सर्दियों में बंद रहते होगा, आप अकेले रहते होंगे? हाँ, अकेले। तो फिर कैसा लगता है? फिर तो खा ले। अच्छा, आवाम भी कोई नहीं, सारे का रौनक नहीं होती, फिर मज़ा नहीं आता है। तो अब आवाम आ रही है? हाँ। लोग आ रहे हैं नहाने के लिए,
तो सही मॉल बना हुआ है। दोस्तों अभी काम शुरू होने वाला है, लड़के वगैरह आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं। दोस्तों आपको पानी चेक कराते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है और टरबाइन का आ रहा है पीछे से ठंडा ठंडा। आदिल भाई यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं नहाने के लिए? अब्दुल हकीम, हवेली, कुरंगा, कुरंबा, कच्चकू, अच्छा, हेड, निकासू, पराग, अरावती से भी आते हैं। दीवारों में बहुत डेकोरेशन बनाई गई है, आप देख सकते हैं, और नीचे जो तमाम टाइलें लगी हुई हैं स्विमिंग पूल के अंदर। कितनी गहराई है इसकी? 4 फुट 5 फुट 6 फुट है। अच्छा, 4 फुट छोटे बच्चों के लिए रखी हुई है। हाँ। और उसके बाद जो उससे बड़ा होगा वो 5 फुट हाँ। में नहा सकेगा, अगला 6 फुट, और जो पूल जो है 6 फुट, वो 6 फुट है। 6 फुट की गहराई है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। ये कितने एरिया में बना हुआ है? एक कनाल के अंदर ये है। इसका ये नहाने वाला सिस्टम है एक कनाल में? हाँ। ये वाला एरिया हाँ। एक कनाल के अंदर ये आप देख सकते हैं बना हुआ है। ये सब्ज़ पानी की झलक इसलिए आ रही है कि ऊपर जो लगा हुआ है तंबू वगैरह, इस वजह से। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं बैर के मनाजिर देखते हैं, और जहां मोटर वगैरह लगी हुई है टरबाइन वो मनाजिर देखते हैं। दोस्तों ये टरबाइन लगी हुई है, 4 इंच की टरबाइन है, और ये देख सकते हैं फुल पानी आ रहा है फ्रेश। ये खाड़े में जाके अंदर जा रहा है स्विमिंग पूल की तरफ। मर्सिबल पंप है जी, इसके अंदर है टरबाइन के अंदर मोटर लगी हुई है नीचे, मर्सिबल। हाँ भाई जान, आपका खाने पीने का यही इंतज़ाम है सारा? ये पंखा वगैरह लगा हुआ है कमरे के अंदर, और आप देख सकते हैं नहाने का भी यही जो रहता है मुलाजिम, इधर इसका इंतज़ाम वगैरह है। जनरेटर वगैरह रखा हुआ है, जो बाकायदा नीचे पानी रह जाता है ये इसके ज़रिए खींच के और निकाल देते हैं। ये है जिसका बोर्ड वगैरह लगा हुआ, ये स्टेपलाइजर वगैरह है, करंट पूरा करता है नीचे। ये आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स बनाए गए हैं, ये इनका भी रेंट होता है। इनमें सामान वगैरह रख के जो नहाने के लिए आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन जो भी सामान होता है, पैसे वगैरह, बटवा वगैरह यहाँ रख के और चाबी अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है आदिल भाई, इनका क्या रेंट होता है किराया? 20 रुपये इस बॉक्स का है जी किराया। दोस्तों इसकी जो दफ्तर की छत है इसकी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन बनाई गई है सामने। ये इसका स्विमिंग पूल का एंट्री गेट। ये हैं जी बैर के मनाजिर, सामने पार्क है आपको पहले दिखाया है, और साथ ही नहर है।
ट्यूबवेल चल रहा है सामने, मोटर चल चुकी है। दोस्तों मैं इसके अंदर जा रहा हूँ जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और नहाने के लिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ पूल के अंदर। काका पीछा हटा, तू पीछा हटा, अब एक छू और वही नड्डा भी। ये मैं इसके अंदर आ चुका हूँ अभी, ये है गहराई 4 फुट, इसके बाद हम आगे जाने वाला हूँ। आई दे, इधर 5 फुट है, आई दे अगर जा इधर वाली साइड से आई 5, ये 5 फुट आ गई है। और जो फूल ज़्यादा बड़े होते हैं तो आगे चले जाते हैं नहाने के लिए। यकीन करो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर, अगर आप भी हमारे इलाके के हो तो यहाँ लाजमी आकर चेक करें, यहाँ पर आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बहुत गहराई है, आका बाल वेख, बाल वेने डबे, बाल वेखे बाल। दोस्तों तैराकी मुझे आती नहीं है क्योंकि मैं पैर नहीं रखता, इसमें कोशिश कर रहा हूँ। चोर को चोर, ये पानी है ठंडा ठंडा आ रहा है इसमें, ये देख सकते हैं आ रहा हूँ। ये भी नहाना चाहता है, इसको भी निलाता हूँ। देखे उगली शोगली पानी ना पड़े। यकीन करो दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप खाने वाले से हैं या अब्दुल हकीम से हैं तो आप इंशाल्लाह यहाँ पर ट्राई करें आकर ना के, अगर मखदूमपुर के हैं तो फिर तो और बात, आप आ सकते हैं। जा बड़े मज्जी बूटे बांध छटे थे नहीं यार, बाल तो मैं तो खतरा है बेचने ठा पे काका उरा आ जा उरा। ठीक हो गया।